टोक्यो ओलंपिक्स में फहराया भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगा। अब बारी है पैरालंपिक खेलों की। जी हां, जापान के टोक्यो में ही 24 अगस्त से पैरालंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में भारत को एक बार फिर अपने खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें। आपको बता दें कि भारत की ओर से 54 सदस्यीय दल टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेगा, जो कि विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में 25 अगस्त से अपनी चुनौती पेश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत ने ओलंपिक में 1 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 7 पदक जीते थे। आइए एक बार उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो पैरालंपिक खेलों में बड़े दावेदार हैं और उनके खेल से भारत को स्वर्ण पदक की उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि भारत पैरालंपिक में 9 खेलों में हिस्सा लेने जा रहा है। तीरंदाजी, एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन समेत 9 खेलों में भारतीय टीम हिस्सा लेगी। खास बात तो ये भी है, किसी भी पैरालंपिक में भारत की ओर से भेजी गई ये अब तक की सबसे बड़ी टीम है। सबसे पहला नाम है देवेंद्र झाझरिया का और खेल भी वही है जिसमें भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने देश का मान स्वर्ण पदक जीत कर बढ़ाया था। देवेंद्र झाझरिया इस बार अपनी गोल्डन हैट्रिक पर निगाहें बनाए हुए हैं। आपको बता दें, देवेंद्र झाझरिया बचपन में करंट लगने के कारण अपना बायां हाथ खो चुके हैं। 40 साल की उम्र में वो स्वर्ण पदक के बड़े दावेदार हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 2004 एथेंस और 2016 रियो डी जेनेरियो में भी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है और मौजूदा वो विश्व चैंपियन है। अगला नाम है विश्व चैंपियन संदीप चौधरी का, जो जेवलिन थ्रो में ही भारत की तरफ से दूसरी चुनौती पेश करेंगे। आपको बता दें कि वो भी स्वर्ण पदक के बड़े दावेदार हैं और वो दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और विश्व रिकॉर्ड धारक भी हैं। इनके अलावा पिछले साल के विश्व चैंपियन सुंदर सिंह गुर्जर और अजीत सिंह और नवदीप सिंह ये भी जेवलिन थ्रोअर हैं। ऐसे में जेवलिन थ्रो में भारतीय टीम के बड़े खिलाड़ी गए। इसके बाद अगले पैरालंपिक खिलाड़ी की बात करें तो वो हैं थंगावेलु, जो कि 5 साल की उम्र में घुटने से नीचे का पैर बस से कुचलने के बाद स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए थे। आपको बता दें, थंगावेलु ऊंची कूद में अपने गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। वर्तमान में वो दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। इनसे भी भारत को पदक की बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं बैडमिंटन में भारत के लिए बैडमिंटन पैरालंपिक में पदार्पण करेगी एक बड़ी टीम। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और कई बार के विश्व चैंपियन प्रमोद भगत पुरुष SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक के मजबूत दावेदार हैं। साथ ही दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कृष्णा नागर के अलावा सुहास एलवाई और तरुण ढिल्लों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। बात करें महिलाओं की तो 2 बार की विश्व चैंपियन पारुल परमार और युवा पलक कोहली महिला वर्ग में पदक की उम्मीदें जगा रही हैं। वहीं भारत को अपने निशानेबाजों और तीरंदाजों से भी बड़ी उम्मीदें हैं। तीरंदाजी में भारत की ओर से राकेश कुमार और श्याम सुंदर कंपाउंड प्रतियोगिता में, विवेक चिकारा और हरविंदर सिंह रिकर्व में और महिला तीरंदाज ज्योति बालियान कंपाउंड व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर टोक्यो पैरालंपिक से भारत को बड़ी उम्मीदें हैं और हर किसी को टोक्यो ओलंपिक्स में जिस तरीके से भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, वही इन पैरालंपिक खिलाड़ियों से भी है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।